हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जय मेहता हियर फ्रॉम मुंबई। आज के वीडियो में हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि जब आपका आईवीएफ का हार्मोनल इंजेक्शंस मतलब पार्ट टू ऑफ ट्रीटमेंट चालू होता है तो हम कौन से ऐसे पैरामीटर्स पे ध्यान रख सकते हैं जिससे हम हमारे आईवीएफ के सक्सेस रेट को थोड़ा सा एनहांस कर सकते हैं। पार्ट वन में जैसे कि आपने सुना होगा, हमने प्री ट्रीटमेंट ऑफ आईवीएफ पे थोड़ा बहुत डिस्कशन किया है और हम उसमें से रेलेवेंट पॉइंट्स को इस वीडियो में वापस थोड़ा सा टच करेंगे। जब कभी भी कोई कपल आईवीएफ का ट्रीटमेंट चालू करने के लिए क्लिनिक में जाता है तब इम्पॉर्टेंट ये है कि वो समझे कि इस ट्रीटमेंट में प्रीडोमिनेंटली फीमेल पार्टनर का इंजेक्शंस लेना एब्सोल्युटली अनिवार्य है या मैंडेटरी है। इसका रीजन ये है, एक बेसिक समझिए, कोई भी नेचुरल साइकिल में एक लेडी को एक महीने का एक ही एग प्रोड्यूस होता है नेचुरली। आईवीएफ के माध्यम से हम ये कोशिश करते हैं कि एक पर्टिकुलर साइकिल में हम वो फीमेल बॉडी में से सेफली और मैक्सिमम मतलब कंट्रोल्ड पर मैक्सिमम एग्स निकालने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश को अंजाम देने के लिए हार्मोनल इंजेक्शंस देना एब्सोल्युटली मैंडेटरी है क्योंकि ये हॉर्मोन्स बॉडी के ही हॉर्मोन्स है। इट इज जस्ट कि ये हॉर्मोन्स आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड है बाय अ फार्मास्यूटिकल कंपनी। ये एब्सोल्युटली बॉडी के नॉर्मल हॉर्मोन्स हैं जो आपको नॉर्मल के ऊपर के डोज जिसको मेडिकली बोलता जाता है सुप्रा फिजियोलॉजिकल डोज, नॉर्मल डोज से थोड़ा ज्यादा इस डोज में दिया जाता है। ये इंजेक्शंस क्योंकि आपके बॉडी में नेचुरली भी बनते हैं, ये हॉर्मोन्स नेचुरली भी बनते हैं, इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कंट्रोल्ड डोजेज में जब ये इंजेक्शंस आपको दिए जाते हैं तो आपके बॉडी और आपके हेल्थ के लिए एब्सोल्युटली सेफ है ये इंजेक्शंस। ये इंजेक्शंस मोर देन 1 मिलियन विमेन एवरी मंथ यूज करते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड आईवीएफ के प्रोसीजर्स के लिए और इसका साइड इफेक्ट प्रोफाइल बहुत ज्यादा लिमिटेड है। दूसरा चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंजेक्शंस और ये हॉर्मोन्स आपके बॉडी में आपके यूरिन से और आपके किडनी से डेली एग्जिट हो जाते हैं। इसके वजह से आपके डॉक्टर ऑलमोस्ट आपको डेली डोजेजेस ऑफ इंजेक्शंस देते हैं। कॉमनली ये माइंड में एक डाउट रहता है कि जब हम आईवीएफ स्टार्ट करेंगे तब हमें कितने इंजेक्शंस लेने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा इंजेक्शंस तो नहीं होंगे क्योंकि हमें इंजेक्शन से डर लगता है। ये चीज इसके लिए मैं यहां पे प्रेजेंट कर रहा हूं क्योंकि देखिए ये इंजेक्शंस ऑन एन एवरेज अगर आप इंडियन विमेन को देखेंगे तो ऑन एन एवरेज ये इंजेक्शंस 8 से 12 दिन के बीच में आपको लेने पड़ सकते हैं। दूसरा चीज, ये इंजेक्शन देने के लिए जो स्पेशल डिवाइसेस जो कॉमनली आपने सुने होंगे जैसे कि पेन डिवाइसेस और वो सारे डिवाइसेस जो अवेलेबल है, उनकी जो नीडल्स रहती है, उनकी जो सुई रहती है, वो इतनी फाइन रहती है कि इंजेक्शन देने के एक्सपीरियंस को ज्यादा पेनफुल नहीं बनाता। जब मैं इंजेक्शन देने की एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं, मैं और एक पॉइंट बताना चाहूंगा कि ये इंजेक्शंस कॉमनली इधर हैंड और एब्डोमन मतलब पेट के ऊपर या थाइज, ये तीन में से कोई भी एक लोकेशन पे दिए जा सकते हैं डिपेंडिंग कि आपको कौन सा इंजेक्शन दिया जा रहा है। देखिए स्टैंडर्डली जब ये इंजेक्शन दिए जाते हैं तब ऑन एन एवरेज 4 to 6 डेज का इंजेक्शन आपको स्टार्टिंग में प्रिस्क्राइब किया जाता है। ये इंजेक्शंस बहुत सारे पेशेंट्स खुद अपने आप अपने घर पे लेते हैं, ये इतने इजी टू यूज इंजेक्शंस है। ये 4 to 5 इंजेक्शंस कॉमनली कौन से होते हैं मैं आपको बता दूं, इसमें बहुत सारे ब्रांड्स है, ऑब्वियसली देर आर लॉट ऑफ इंडियन ब्रांड्स एंड देर आर लॉट ऑफ इंटरनेशनल ब्रांड्स एंड दोनों के बीच में प्राइस डिफरेंस इज हार्डली 15 to 20%। बट दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एक कॉमन मैन नॉलेज के लिए शायद आपको पता होगी तो आपके लिए बेटर होगा। एक है रिकॉम्बिनेंट FSH, RFSH बोला जाता है, और दूसरा जो बहुत कॉमनली यूज होता है वो है HMG मतलब ह्यूमन मेनोपॉजल गोनाडोट्रोपिन। ये दो सब टाइप्स है जो कॉमनली आपको ध्यान में रखने हैं। ये 4 से 6 दिन इंजेक्शन लेने के बाद में आपके डॉक्टर आपको डेफिनेटली वापिस हॉस्पिटल में बुलाएंगे इन ऑर्डर टू डू अ ब्लड टेस्ट, एक खून का टेस्ट होता है और साथ में वापस सोनोग्राफी होती है। ये वही इंटरनल सोनोग्राफी है जो आपका ट्रीटमेंट चालू करने के लिए आपके पीरियड के पहले या दूसरे या तीसरे दिन पे आपके डॉक्टर ने की होगी। हम इसमें आपके एग का ग्रोथ कितना हुआ है और कितनी साइज में ग्रो हुआ है ये देखते हैं। ये देखने के बाद में
दूसरा एक छोटा सा सबसेट ऑफ इंजेक्शन है जो इसके साथ में दिया जाता है, नॉर्मली 2 से 4 दिन के लिए। इसके बाद में वापस आपको बुलाया जाता है और वापस यही सोनोग्राफी करके फाइनल डोज ऑफ इंजेक्शन डिसाइड किया जाता है, जिसको मेडिकली बोला जाता है ट्रिगर इंजेक्शन। इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है समझना। जब आपका ये सोनोग्राफी होता है तब ऑन अ गुड क्लिनिक ये कोशिश होगी कि ये पूरा अल्ट्रासाउंड 3D पे हो, क्योंकि इसमें आपका जो फॉलिकल है, आपने कॉमनली सुना होगा ये टर्म को, फॉलिकल स्टडी। ये फॉलिकल स्टडी को हम एनहांस कैसे करते हैं? जब हम 3D और पावर डॉपलर, जैसे कि ब्लड फ्लो, ये दो चीज को देखने का कोशिश करते हैं, तो हमें एक एस्टिमेट आता है कि एग का मैच्योरिटी क्या है, एग का क्वांटिटी क्या है और एग का क्वालिटी कैसा निकलेगा। इस 3 बेसिस के ऊपर हम पेशेंट्स को एक बेसिक गाइडलाइन दे सकते हैं कि क्या उनका सक्सेस रेट जो हमने प्रेडिक्ट किया है उस बेसिस पे मैच हो सकता है या नहीं। तो ध्यान में रखिए कि जब आपका अल्ट्रासाउंड या फॉलिकल स्टडी होता है, अगर ये फॉलिकल स्टडी 3D पे होता है और अगर उसमें पावर डॉपलर या वैस्कुलैरिटी जिसको बोलते हैं ऐड किया जाए, तो आपका सक्सेस रेट का प्रेडिक्शन हम थोड़ा अच्छा कर पाएंगे। फाइनल डोज ऑफ इंजेक्शन जिसको बोलते हैं ट्रिगर, ये ऑफ कोर्स केस टू केस डिसाइड होता है, पर ये डिसाइड होने के बाद में आपका एग पिकअप होता है तकरीबन 36 से 38 आवर्स के बीच में। एग पिकअप को लेके बहुत सारा इंफॉर्मेशन हम आपको अगले वीडियो में जरूर देंगे। और हॉर्मोनल इंजेक्शंस को लेके अगर किसी के भी माइंड में कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, मैं या मेरे कोई टीम मेंबर्स आपका हेल्प करने का पूरा कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशंस वेरी सून। थैंक यू।